नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशु और आज मैं उन सभी लोगों के लिए एक ऐसी बाइक लेकर आया हूँ जिन लोगों को बाइक पैकिंग ट्रिप करना पसंद है, टूरिंग करना पसंद है या फिर आप अगर एक ग्रेवल बाइक भी ढूंढ रहे हो तो आप लोगों के लिए आज का जो बाइक है ना ये मैं लेकर आया हूँ। ये है मेरी न्यू पॉलीगन बेंड R5 जो कि एक ग्रेवल बाइक है फ्रॉम पॉलीगन बाइक्स। ये जो बाइसिकल है ये ग्रेवल एडवेंचर्स के लिए, बाइक पैकिंग ट्रिप्स करने के लिए, टूरिंग एडवेंचर्स करने के लिए या फिर लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको ट्रैवल करना है अपने बाइसिकल के ऊपर तो ये बाइसिकल है जो आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन सकती है। व्हाई? बिकॉज दिस बाइसिकल इज फीचर लोडेड। तो क्या क्या फीचर्स इसके अंदर आपको मिलते हैं, कितने प्राइस में ये अवेलेबल है, चलिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। पॉलीगन बेंड R5 का जो पूरा ये फ्रेम है ना, ये ALX फ्लैट माउंट फ्रेम है, एल्यूमिनियम एलॉय का फ्रेम है, इंटरनल केबल रूटेड है, हेडसेट के पास आपको इंटरनल केबल के लिए पूरी जो होल्स हैं वो दिए हुए हैं, टेपर्ड हेड ट्यूब के साथ ये आती है, FSA का हेडसेट इसमें लगा हुआ है। ये जो फ्रेम है फुली इंटरनल केबल रूटिंग है, वायरिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है, थ्रू एक्सल फ्रेम है ये 142, सो ओवरऑल स्टिफनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। उसी के साथ साथ ड्रॉपर पोस्ट रेडी है, ऑलरेडी ड्रॉपर पोस्ट इसके अंदर आपको मिलता है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देंगे। फ्रेम के अंदर आप फ्यूचर में चाहो तो बहुत इजीली यहाँ पे फ्रंट डीरेलर को भी लगा सकते हो, ऑप्शन आपको दिया हुआ है। फ्रेम का कलर इस तरीके के शैम्पन ब्राउन और जो ग्रे कलर का कॉम्बिनेशन है उसके साथ पूरा बेंड R5 को डिज़ाइन किया गया है, जो आप यहाँ पे करेंटली वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। बाइक देखने में काफ़ी स्लीक, स्टाइलिश एंड बहुत ही मिनिमम ग्राफिक के साथ काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। फ्रेम के ऊपर यहाँ पे बेंड R5 का जो पूरा ब्रांडिंग है वो किया हुआ है। बाइक का जो फोक है यहाँ फ्रंट में ये फुल्ली कार्बन फाइबर फोक है, नीचे का ये जो पूरे ब्लेड्स हैं ये भी कार्बन फाइबर है और ऊपर का जो स्टीयरर ट्यूब आता है वो भी फुल्ली कार्बन फाइबर है, जिसके वजह से ये बाइक के ओवरऑल वेट को काफ़ी लो रखता है। और ये जो कार्बन फाइबर फोक है ये भी पैनियर रैक रेडी है, इसके साथ भी आपको फ्रंट में जो पैनियर का रैक है वो लगा हुआ मिलता है प्री इंस्टॉल्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं होल्स दिए गए हैं, इधर भी है, तो आप चाहो तो पैनियर रैक के साथ इसके अंदर मडगार्ड भी लगा सकते हो। थ्रू एक्सल फोक है ये एंड जो फोक का ओवरऑल आप देख सकते हो क्लियरेंस वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पॉलीगन ने प्रोवाइड किया है, सो दैट इन केस यू गो फॉर मडी ग्रेवल एडवेंचर्स तो यहाँ पे आपको जो मड वगैरह होगा ना वो जमेगा नहीं, काफ़ी इजीली निकल जाएगा। इस ग्रेवल बाइक में जो आपको ड्राइव ट्रेन प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड किया गया है 1/11 का। सामने आपको 38 टीथ का टू पीस का हॉलोटेक क्रैंकसेट मिलता है, 38 टीथ की चेन रिंग है, हॉलोटेक है, टू पीस है, एलॉय का क्रैंकसेट है। रियर में आपको 11 स्पीड का शिमानो GRX RX 8112 का जो रियर डिरेलर है वो मिलता है विद शेडो क्लच, 1142 टीथ शिमानो SLX M7000 सीरीज की कैसेट इसके अंदर आपको मिलती है। इनफ रेंज है आपके सारे ग्रेवल राइड्स के लिए, क्लाइंबिंग ओरिएंटेड राइड्स के लिए या फिर सिटी में राइड करने के लिए भी बहुत अच्छे गियरिंग रेशियोज ये आपको मिल जाते हैं। बाइक में जो शिफ्टर्स हैं ये शिमानो GRX STRX 810 सीरीज के शिफ्टर्स आपको मिलते हैं, 1/11 स्पीड के ये शिफ्टर्स हैं, दैट मीन्स यहाँ पे राइट साइड में आपको 11 स्पीड का शिफ्टर प्रोवाइड किया गया है शिमानो GRX, ऑन द लेफ्ट साइड यू हैव सिंगल 1/ शिफ्टर जिसका काम होता है आपके ड्रॉपर पोस्ट को यूज़ करने के लिए। ये जो बाइक है ना ये ड्रॉपर पोस्ट के साथ रेडी है, आपको 110 mm का ट्रैवल इसमें मिल जाता है, ट्रांस एक्स ब्रांड का ये ड्रॉपर पोस्ट है, एलॉय ड्रॉपर पोस्ट है, 110 mm का ट्रैवल एंड ऊपर आपको NTT का जो सैडल है वो मिल जाता है। इस ग्रेवल बाइक का जो हैंडल बार है ये 450 mm वाइड है, फ्लेयर हैंडल बार है और बेस्ट ऑफ द पार्ट इज कि इस हैंडल बार का जो ये ग्रिप टेप है ना इसके नीचे आपको जो जेल की लाइनिंग है वो पहले से रैप की हुई है ताकि जितना भी वाइब्रेशन होगा उसको ये अब्सॉर्ब कर लेगी और आपके हाथ में मिनिमम जो वाइब्रेशंस होंगे वो आएंगे, काफ़ी कंफर्टेबल राइड आपको मिल जाएगी। शिमानो GRX के शिफ्टर काफ़ी अच्छे वाइड हैं, ग्रिपिंग करने के लिए भी काफ़ी अच्छे तरीके से GRX में डिजाइनिंग की हुई है। NTT एक्सपर्ट का जो स्टेम है वो प्रोवाइड किया गया है, 90 mm का लेंथ है। नाउ ग्रेवल बाइक में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है वो होते हैं उसके व्हील सेट, तो पॉलीगन बेंड R5 में जो आपको व्हील सेट मिलते हैं ना ये मिलते हैं 650B यानी कि 27.5 के व्हील सेट्स इसमें आपको मिलते हैं। NTT GX सीरीज के व्हील सेट हैं ये, 27.5/21 mm का इनर विद है इनका और ये जो टायर है ये आपको वी टायर रेल के तरफ से मिलते हैं, ट्यूबलेस रेडी टायर है ये, व्हील सेट्स बहुत इजीली ट्यूबलेस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको सिर्फ एक रिम टेप, वाल्व कोर और सीलेंट इसके अंदर डालना है एंड बोथ दीज व्हील सेट्स आर ट्यूबलेस रेडी बन जाएंगे, टायर ऑलरेडी ट्यूबलेस रेडी है। टायर का विद मैं यहाँ पे आपको चेक करवा देता हूँ, दिस इज 27.5/47C के ये टायर्स हैं और यहाँ पे आप जो ट्रेड्स हैं
वो चेकआउट कर सकते हो। टैन वॉल जो है वो ट्रेंड में है, तो इस बाइक में आपको टैन वॉल टायर्स ब्रांड की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि ओवरऑल बाइक के एस्थेटिक लुक को काफ़ी आप चेकआउट कर सकते हो, बढ़ा देते हैं एंड बाइक देखने में काफ़ी स्पोर्टी लगती है बिकॉज ऑफ दीज टायर्स। नाउ ऑब्वियसली अगर ब्लैक कलर के टायर होते ना, तो ये जो टायर है ये पूरे पूरे ऐसे लगते हैं कि MTB के ही टायर इसमें लगा दिए गए हैं, जो कि ऑलरेडी ये लगता ही है। ब्रेकिंग जो है इसमें वो शिमानो GRX की ही है, तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक्स आपको शिमानो GRX सीरीज के मिलते हैं। 160 एट द बैक, 160 ऑन द फ्रंट, तो 160 mm के डिस्क ब्रेक के रोटर्स आपको इसमें मिल जाते हैं। फायरिंग को इस तरीके से मैनेज किया गया है पीछे विद इंटरनल रूटिंग ऑल द वे टू द शिफ्टर्स, जो यहाँ पे आपके ब्रेकिंग को पूरी तरीके से मैनेज करते हैं। नाउ मेरे पास जो यहाँ पे बाइक है ये साइज स्मॉल की बाइक है, तो इसका जो वेट है वो है 10.5 kg एंड पॉलीगन बैंड R5 का जो प्राइस है इंडिया में इसका MRP है 1,85,000, बट मैंने ऑन स्टोर लिया था तो मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया था। आई नो कुछ लोगों को ये जरूर लगेगा दैट फॉर 1.85 lakh दिस इज समथिंग रियली एक्सपेंसिव, बट येस इट इज़ एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ ऑल द फीचर्स दैट यू आर गेटिंग, एंड इंडिया में बाइक्स एक्सपेंसिव होती है बिकॉज ऑफ कस्टम्स ड्यूटी, इम्पोर्ट, शिपिंग एंड सारे फ्रेट चार्जेस वगैरह मिला के, इसीलिए बाइक्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। नाउ फ्यू थिंग्स विच आई पर्सनली वॉन्ट कि पॉलीगन थोड़ा सा इम्प्रूव करे पॉलीगन बैंड R5 में, दैट इज कि इसमें जो हमको क्रैंकसेट मिलता है ना, ये मिलता है 38 teeth का, 42 teeth का मिनिमम क्रैंकसेट का जो चेनरिंग है वो होना चाहिए एक 1/drive train वाले बाइक में, बिकॉज 38 teeth कई बार थोड़ा सा कम पड़ जाता है, 42 teeth थोड़ा बेटर रहता है। सेकंड चीज़ जो पॉलीगन को इम्प्रूव करना पड़ेगा वो है, ऑल्दो दिस इज़ अ ट्यूबलेस रेडी बाइक एंड आप ट्यूबलेस रेडी बहुत इजीली बना सकते हो, बट आई रिकमेंड पॉलीगन कि आप इसमें पहले से ही रिम टेप और जो वैल्व होता है वो एज एडिशनल एक्सेसरी आप प्रोवाइड कर सकते हो बाइक के साथ, सो दैट विल बी वेरी इजी फॉर अ कस्टमर कि वो बहुत इजीली खुद ही चाहे तो ट्यूबलेस को बना पाएगा या फिर किसी बाइक शॉप में ले जाके भी बना पाएगा, तो एडिशनल टेप खरीदने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई थिंक दिस इज समथिंग पॉलीगन कैन डेफिनेटली डू। इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू गेट वन ऑफ दिस बाइक, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ से आप डायरेक्टली इसको आप इनके ब्रांड के थ्रू परचेस कर सकते हो। वेरी सून आई एम गोना टेक दिस बाइक फॉर ग्रेवल एडवेंचर्स, टूरिंग राइड्स, बाइक पैकिंग ट्रिप्स में हम इस बाइक को लेके जाने वाले हैं, दैट इज द पर्पज मैंने इसको परचेस किया है, एंड वो सारे एडवेंचर्स मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आई सी यू विद नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय बाय।